please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने दावा किया कि भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने में सक्षम है। वायुसेना के पिछले 13 दिनों तक गगन शक्ति नाम से चले अभ्यास के बाद एयर चीफ मार्शल ने यह दावा किया है। वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ के मुताबिक पिछले 3 दशक के सबसे बड़े अभ्यास के समय लड़ाकू परिवहन और रोटरी विंग के विमानों में 11,000 से ज्यादा उड़ानों के जरिए जंग के लिए अपनी तैयारियों को उतार दी। राष्ट्रीय स्तर पर हुए इस अभ्यास के समय ब्रह्मोस और हार्पून एंटी शिप मिसाइल से लैस लड़ाकू विमानों ने अपनी ताकत दिखाते हुए दूर के ठिकानों पर हमले का अभ्यास किया। वायुसेना प्रमुख ने यह भी दावा किया कि वायुसेना 48 घंटे के अंदर ही अपने हथियारों और उपकरणों को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक ले जाने में सफल रही है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज मेडिकल कॉलेज के एक वार्ड के अंदर 2 लोग रोते नजर आए। इन लोगों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक दिव्यांग बुजुर्ग महिला की मौत हुई, जिसके गम में मरीज के घर वाले फूट फूट कर रोने लगे। जानकारी के मुताबिक रतनपुर गांव की रहने वाली रानी देवी की हालत रविवार को बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। लेकिन आरोप है कि अस्पताल का स्टाफ मरीज को देखने के बजाय टालमटोल करता रहा और फिर दिव्यांग महिला को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहां उसकी हालत और बिगड़ गई। मरीज के घर वालों का आरोप है कि डॉक्टरों ने समय पर मरीज को ऑक्सीजन नहीं दी, जिसकी वजह से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। ऑक्सीजन नहीं लगाई ने हमारा मरीज इधर उधर घुमाते रहे। इससे पहले भी कन्नौज मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में दिव्यांग बुजुर्ग महिला की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के घर वालों के आरोप को खारिज कर दिया। ऑक्सीजन की उसको समय जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके और भी कई अंग जो है वो काम नहीं कर रहे थे ठीक से। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने ये बात मानी कि जब बुजुर्ग महिला को अस्पताल लाया गया तो उसकी हालत गंभीर थी। चीन दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 27 और 28 अप्रैल को अपने चीन दौरे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कर दोनों देशों से जुड़े मुद्दों पर अहम चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा नक्सली हमले में शहीद यूपी के अमेठी के जांबाज अनिल कुमार मौर्य का उनके गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वाहन चोरी के इल्जाम में 14 बाइक और एक ऑटो रिक्शा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के कुछ नेता बेंगलुरु में अनंत कुमार की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। शिमला के गुड़िया गैंगरेप और हत्याकांड में सीबीआई ने आरोपी को जंगल में वारदात वाली जगह पर ले जाकर जांच की। यूपी के मेरठ में आग लगने से करीब 100 से ज्यादा झुग्गियां इसकी चपेट में आ गईं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 10 दिन तक राजस्थान में विपश्यना के लिए ध्यान शिविर में शामिल होने की वजह से मोबाइल मीडिया और सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। सीबीएसई ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए स्कूलों में 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए हर रोज खेल का एक पीरियड अनिवार्य कर दिया, ताकि छात्रों की बैठे रहने की आदत में बदलाव आए और उनकी शारीरिक सक्रियता बनी रहे। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल देखने पहुंचे।